से लाए थे? छोड़ो मैं आपको छोड़ू। हाँ बोल फिर, सही सही बोल, सही सही बोल, मेरे सही सही सवाल के जवाब दे, मैं तुम छोड़ दूंगा। हाँ चल, लगा पूरी ताकत लगा, जोर से जोर से और जोर से पूरी ताकत लगा। हाँ और जोर से पूरी ताकत लगा, पूरी लगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। जोर से कहां से पकड़े थे? शमशान से, कब्रिस्तान से, कहां से? चलो उसको जलाने की तैयारी करो, जब तक जवाब नहीं देगा उसको जला करो उसको तेजी के साथ में। यार क्या मालूम उसे कितना मार पड़ा हूँ। हाँ चल बोल, कहां से पकड़े थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? हाँ? जब तक नाम नहीं बोलूंगा जब तक तेको आग लगाते रहेंगे। कौन है तू? औरत है, आदमी है? औरत है, आदमी है? लाओ उठते साथ में। औरत है। शमशान से लाए, कब्रिस्तान से लाए, कहाँ से? हाँ कहाँ से जादू करे? कहाँ से जादू करे? कहाँ से जादू करे? कहाँ से जादू? कहाँ से करी उसपे जादू? नहीं बनानी मैं, औरत हूँ, बावड़ी में गिरी वाली औरत हूँ मैं। कौन है? औरत हूँ मैं, बावड़ी में गिरी वाली। अच्छा मरे वाली है? हाँ मरी वाली हूँ। इन्हें कहाँ मिली तुझे? इनका क्या नाम है? नसीमा भी कहाँ मिले तुझे? हाँ हमारी देवरानी है जी बुआ। हाँ हमारी देवरानी है, मैं देवरानी को ले गयो। अयो ऐसा भी लग रही तुम लोगों को, मैं बहुत दिन से आई हूँ। हाँ चार दिन अच्छा रहती हूँ, चार दिन बुरा रहती हूँ, मेरे को छोड़ दो। अच्छा इसको कब मारने वाली? अम्मास में, पूनम में? छोड़ दो, छोड़ते नहीं देखो, जकड़ के रखो उसको तेज के साथ में। और जकड़ो उसको। मैं बौड़ी में गिरी वाली हूँ औरत। हाँ और बौड़ी में गिरी वाली हूँ औरत। हाँ क्यों मारी थी बौड़ी में गिर के? क्यों मारी थी? इस वास्ते ते बोलते कि सुसाइड नहीं करना, जो सुसाइड करता उसको ऐसे तो भटकाते रहते। हाँ बोल क्यों मारी थी बॉडी में गिर के? हाँ जोर से जोर से जोर से। क्या नसीमा भी का टेंशन लग गिर गई थी क्या बॉडी में? हाँ क्यों गिर गई? घुमा तेरे कैमरा, मुंह बंद कर दो कैमरा चालू। क्या है याद आ रहे क्या कहानी? क्यों मरी थी बोल के? जल्दी बोल, सही से बोल, तू तो छोड़ेंगे, टाइम नहीं मार पाऊंगा, तू पूरा मार के डाल दूंगा। हाँ जल्दी बोल, बोलती हूँ, छोड़ दो मेरे को। क्यों मरी थी बॉडी? मरी ने मेरे को मार डाले हैं। अरे रे कौन मार रहा है? कौन मार? अरे बहुत बड़े जेठ ने मेरे को ढकल के दिए हैं बॉडी में, मैं गिर गई। क्यों ढकले थे? वजह के पेट में पाप आ गया। हाँ मैं मर गई। अच्छा मेरे दो तीन बच्चे आते। हाँ मैं मर गई। हाँ तू नसीमा को क्यों लगी? हाँ नसीमा को क्यों लगी तू? इसका क्या था? इससे क्या दुश्मनी थी तेरी? दुश्मनी नहीं। हाँ मेरे को, मैं खेत में से आ गई थी तो मेरे को खाना दिलाई थी, मेरे को मैं आशक हो गई। अच्छा इस पे अभी सुखा मार के जाने वाली है मार के पूनम में? हाँ मैंने मारना बोलती, जान मारना भी बोलती है, जान ना भी मारना बोलती है। कहीं इस बॉडी में तो नहीं गिराने वाली तू? ऐसा नहीं होता। हाँ नहीं हो सकता, मेरी देवरानी है, ऐसा संभाल सकती हूँ। कम ज्यादा चल रहा है तेरा नेटवर्क, आ रहा नेटवर्क जा रहा है, ऐसा करी तू। और जिसने तुम मारा उससे बदला लेना था ना, इससे क्या आशिक होके बदले लेने का? ऐसे जाने की पची हो आशिक, क्या करो, बहुत दिन आज मैं आयो हूँ। क्या करना आपके साथ में? जय जी छोड़ के जल्दी बोल। खाना दिला दो, मैं जा सकती हूँ, मैं बहुत दिन की भूखी हूँ। इधर रहता मेरे पास में, मेरे फौज में शामिल हो जा, मेरे फौज में रहे। और बाहर काम वाम करना, लोग आए तो सुबह सुबह झाड़ू मार देना, ऑटोमेटिक सब साफ हो जाना।
और उसके बाद क्या बोलते तो बाहर कचरा वचरा दिखना नहीं, रात में खाना बर्तन रखे वाले लंगर में तो सारे बर्तन साफ करना, धोते रहना, हाँ काम करना यहाँ से रह के। और उसके बाद में क्या बोलते तो वहाँ झूठा खाना गिरा देते, कचरा गिरा लड़ता, वो कचरा रात में से पूरा झाड़ के गायब कर देना एक तरफ, निजात डाल देना कहीं पे भी, ठीक है। तुझे यहाँ खाने को देंगे फौज में, तुझे सब मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। चल क्या नाम है तेरा? ठीक है सुबेदा भी, जाओ बाहर खड़े हो जाओ, छोड़ दो उसको और यहाँ से रहो, यहाँ से खाओ फौज में, बाहर का पूरा काम करते रहना। रात में से बर्तन दी के लंगर के तो धोके साफ कर देते जाना, दूसरा बाहर खाना गिराला रहा कचरा रहा तो झाड़ के एक तरफ कर देते जाना, ठीक है। जाओ और कोई चोरा फिरा या कोई बुरे नियत से आए तो उनके आंगों में घुस के उनको मार के इधर से भगा देते जाना, ठीक है। और जिन्नातों की भी मदद लेना और वो सब रहते साथ में मिलके सबने मारना करना, ठीक है। बहुत बड़ी फौज है, जाओ शामिल हो जाओ उसमें, छोड़ दो इनको, जाओ जाओ खड़े हो जाओ उनको छोड़ के, उनको छोड़ के जाओ, छोड़ दो। पानी दो गिलास में जल्दी। अरे हटो जी, इतना कहीं को आंगों पे गिर रहे उनके। क्या नाम इनका? नशीमन। नसीमा भी। अरे उठो, क्या होगा, पानी पियो, पानी पिलाओ उनको, कोई तो नहीं। ये पानी सुबह शाम दो तीन टाइम मुंह पे मारना, घर में सब तरफ छिनकना और उसके हर नमाज के बाद में सात बार रतन कुर्सी, सात सात बार चारों कुल पढ़ के दम करना और छिनकते रहना घर में सब तरफ और ज्ञान पे भी। और दूसरा दुआ का पानी पिला देना बड़ा बड़ा के। कहाँ से आए थे? लातूर से। इधर से लेके आ रहे कैमरा, वो उनके कोई तो भी बता रहे हैं दास्तान, सुसाइड करके मरे थे एक्स वाई जेड, वो उसके पकड़ के बदरू लगा दिए वो सब। अगर ये पूरा खुद को खुद आया, लेकिन मेरे को डाउट है खुद को खुद नहीं आता, वो कुछ मिला के लगा रहा क्योंकि उनके अंदर दवा अटकी आई है और दवा तो खैर इंशाल्लाह आगे अमल के दौरान में निकाल दी है। खुद को खुद वोमिटिंग होंगी या खुद को खुद जुला होगा, उसमें दवा निकल के जाएंगी। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज है, क्या बोलना, इतने अमल अमलियात में भी ये भी वो भी, बहुत कहीं जितना तुम गहराई में जाएंगे उतनी गहरी दुनिया है, ये भी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फजल करम। लेकिन इन सब का निचोड़ एक ही है, इबादत। इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम लो तो तुम्हारा दुनिया और आखिरत दोनों बन गई। और इबादत की रस्सी से तुम गाफिल हो गए, इबादत की राह से भटक गए तो तुम्हारी दुनिया भी गई, तुम्हारी आखिरत भी गई, तुम जहन्नुम के ईंधन बना दिए जाएंगे और तुम्हारे जहन्नुम में जाकर ढकल दिया जाएगा। याद रखो, अल्लाह किसी को जुल्म नहीं देता, अल्लाह सबसे 70 माह की मोहब्बत करता। नालायकों निकट तुम उसका तो समझो कि अल्लाह किसी को जुल्म नहीं देता। लोग बोलते अल्लाह ने हमको कर दिया, अल्लाह ने हमको सहमत दे दिया, अस्तगफिरुल्लाह नऊज बिललाह मिन ज़ालिक, अल्लाह किसी को जुल्म नहीं देता। तुम्हारी एक माँ है, तो तुम्हारी एक माँ अगर तुमको मार लगा तो रात भर नहीं सोती हूँ, तुम्हारे तकलीफ उसको होती है असल में, महसूस होती है, रात भर नहीं सो सकती, तब चलती हूँ बच्चा अपना तकलीफ में रहा तो वो तो 70 माह की मोहब्बत करता, फिर तुम्हें कैसा जहमत देगा उन्हें, कैसा तुम्हारा जख्म देगा, कैसा तुम्हारा आग में डालेगा, नहीं डालता अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई अजाब नहीं देता, अल्लाह तुमसे 70 माह की मोहब्बत करता, रहमान और रहीम है अल्लाह तुम पे, मगर तुमको जहन्नुम में डालते तुम्हारे आमाल, खबर में आजाब दिलाते तुमको तुम्हारे आमाल, दुनिया के अंदर तुम्हारे आजाब में घेरते तुम्हारे आमाल, हर जगह पर और हर तरफ तुम्हारे क्या बोलते तो रुसवा कराने वाले, तुमको आजाब में घेरने वाले, तुमको मार पड़ने वाली, वो सब है तुम्हारे आमाल करते। और तुम अगर अच्छे आमाल रखेंगे, अपनी अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी नीयत रखेंगे, तो नीयत साफ तो मंजिल आसान, क्यों बोले अल्लाह फिर इसलिए, तो कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। और सुसाइड नहीं करना, इसलिए इस्लाम में सुसाइड करना हराम है। देखिए अभी वो क्या बोल रहा था, बौड़ी में गिरी, बौड़ी में गिर के मर गई, फिर वो कहां से पकड़े आग में डाली, क्योंकि जो भी सुसाइड करके मरता तो उसकी बदरू बहुत तेजी से जादूगर पकड़ लेता और पकड़ के काम लगा करता, फिर मार के किसी के बयान में डालो, किसी को मारो, बहुत सारी दास्तान है एक्स वाई जेड। इसलिए बेहतर है, बेहतर है कि जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, जादूगरों के पास मत जाओ, क्योंकि जादूगर तुम्हारा भला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
जादूगर सिर्फ जहमत देने के वास्ते बैठे आ रहे हो, शैतान के साथ आए, और शैतान के पास में फैज नहीं है, फैज अल्लाह के पास से आता और अल्लाह वालों के हाथ से अल्लाह फैज पहुंचाता। शैतान तो जहमत देने के वास्ते है ना बैठाला, तो उन्हें कहां से फैज देगा तुम्हारा, इसलिए समझो ये सब बातों पे। काला जादू से नहीं कटता, एक बार भी नहीं कटता, नहीं कटता, उल्टा ज्यादा तुम पे काला जादू, तुम काले जादू से काटने का तो ज्यादा उसमें तुम धस कर खत्म हो जाते, बस हमेशा के वास्ते फिर हलाक हो जाते, गर्क हो जाते, तबाह बर्बाद हो गए। तो कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने के तौर पर बोलते चलो। कहां से आए थे? लातूर से। इससे पहले हाजिर हुआ क्या उनके आंग पे? हां हुआ था। क्या बोल रहा था? दूसरा तुझ भी बातों बोलता है, पांच जीने फलाना है, बिस्तना है, ऐसा बोल रहा था। मतलब चार महीने वो तो है, वो अलग अलग एक एक नहीं है, अलग अलग दो चार है वो, क्योंकि अब भी एक पकड़ लिए थे, एक ही तुम्हारे कौन तो तुम्हारे वाले नाम लियो। हाँ, उनका मर्डर क्या हुआ था, एक्स वाई जेड। और दूसरी बात, खैर अमल करो, अल्लाह करम सब राइट होता, ठीक है।